हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। व्हेन डज द सेफ्टी ऑफिसर गो टू जेल? सेफ्टी ऑफिसर जेल कब जाता है? अगर हाल ही के कुछ घटनाओं को देखा जाए तो उसमें यह पाया गया कि कुछ सेफ्टी ऑफिसर जेल गए। इंडिया की बात करें और दुबई की बात करें तो आखिर वह क्यों गए, कारण क्या है, क्या एक सेफ्टी ऑफिसर जेल जा सकता है, क्या जो एक्ट बनाए गए हेल्थ सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन एक्ट बनाए गए अकॉर्डिंग टू ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो अगर एक सेफ्टी ऑफिसर जेल जाता है तो फिर उस रूल का मतलब क्या है, फिर उस एक्ट का मतलब क्या है। तो ये तमाम बातों को हम जानेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में एक सेफ्टी ऑफिसर ही जेल गया था या कोई और जेल गया था, इन तमाम बातों में। लेकिन जो बात सामने आई उसमें यह बात आई कि कहीं पे सेफ्टी सुपरवाइजर जेल गया, कहीं सेफ्टी ऑफिसर जेल गया। लेकिन अब इस पूरी घटना को जानते हैं एक एक करके, और मैं बताऊंगा इसमें कि एक सेफ्टी ऑफिसर का वर्क नेचर क्या होता है, क्या वह जेल जाने के लिए लाइबल है कि नहीं है। तो इन बातों को जब हम जानेंगे और उन एक्ट को जानेंगे, उन धाराओं को जानेंगे, तो हम बखूबी समझ पाएंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। बने रहिए हमारे साथ और एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यदि आप सेफ्टी फील्ड में हैं तो ये वीडियो और ये जानकारी आपको काफी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इन इंडिया और ग्लोबल, क्या दोनों देशों के जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं? जी हाँ, कुछ मामलों में तो ये रूल्स अलग हैं। इंडिया के जो नेशन के अकॉर्डिंग जो इनके रूल्स हैं, इनके एक्ट हैं, वो कुछ डिफरेंस है। ग्लोबल की बात करें तो इनके रूल्स भी कुछ डिफरेंस हैं। बट जब हम इंटरनेशनली और यूनाइटेड नेशन की बात करें या एक ऐसे कम्युनिटी की बात करें जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और जिन्होंने आपस में एक अनुबंध, एक समझौता किया हुआ है, वहाँ पे इन सभी देशों में एक जैसे रूल ही फॉलो होते हैं। जहाँ पे सपोज करें कि हम दो या चार देश मिल करके एक ऐसा रूल्स बनाते हैं कि देखो हमारे देश में इस तरह का वर्क होता है, अगर इस तरह की घटना पाई जाती है तो यह एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, यह एक्शन लिया जाएगा। ये तमाम तरह की बातों को हम लोगों ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसको साइन किया कि जब तक ये इतने दिनों के लिए 5 ईयर्स 10 ईयर्स जब भी आप बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में जो सेफ्टी ऑफिसर जेल गए वो क्यों गए और कारण क्या था, जरा देखते हैं, सम एग्जांपल देखते हैं। इन 22 सितंबर 2012 को की बात मैं करूं तमिलनाडु की, तो वहां पे एक कंपनी है TVS श्रीचरका टायर्स लिमिटेड मदुरई में 2012 में यहां पे एक दुर्घटना हुआ था, आग लगी थी और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें से एक सेफ्टी ऑफिसर को अरेस्ट किया गया और 304 के अंडर यानी धारा 304 के अंदर उसे जेल भेज दिया गया। जी हाँ, उसे जेल भेज दिया गया। दूसरी बात मैं करता हूँ 12 नवंबर 2012 की, इसी 2012 में ही प्लेस दुबई में रहा, 5 लोगों को सजा हो गई कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो साइट पर डेथ हुई थी। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों मामलों को अगर हम देखते हैं, दोनों ही घटनाएं 2012 की हैं, एक सितंबर की है एक नवंबर की है। दोनों ही घटनाओं में जो देखा गया, यहाँ पे 304 सेक्शन जो है वह आपके इंडिया में लागू होता है, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत आता है, और 302 जो मर्डर के लिए आता है, 304 ए सेक्शन ए जो है ये आता है आपका कि मृत्यु की नियत से, यानी 300-304 दोनों ही में थोड़ी सी समानता है, इसके अंडर उनको अरेस्ट किया गया था। इस मामले पे तमाम तरह की बातें हुई, बहुत से सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स और सारे लोगों ने ये चर्चा किया कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक सेफ्टी ऑफिसर को जेल भेज दिया गया, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग इसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट से बात करेंगे कि भाई ये तो उचित नहीं है, ऐसा क्यों किया गया, भाई वह जिम्मेदार नहीं है। अगर किसी की डेथ होती है वहाँ पे हुआ तो आप डायरेक्टली बगैर इन्वेस्टिगेट किए हुए कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। जी हाँ, इंडिया के रूल के मुताबिक या किसी भी देश के रूल के मुताबिक जो तत्काल में प्रेजेंट कॉज दिखाई देते हैं उसके अकॉर्डिंग वह उसे अरेस्ट कर सकता है, वह ये राइट है उसका। दूसरी बात, अगर नवंबर 2012 की बात करें, दुबई की बात करें, तो एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ही दिन 5 लोगों की डेथ हो गई फोर्कलिफ्ट पे, जो
क्रेन से वजन उठाया जा रहा था, लोहे का जो पैनल उठाया जा रहा था, पैनल गिरने के वजह से वहां पे 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें अब उसमें जो 5 लोग भी इसमें जो इन्वॉल्व थे, इनमें होने के बाद से उनको भी एक सजा का सजा का प्रावधान वहां की सरकार ने किया। तो अगर इन दोनों घटनाओं में जब जांच हुआ, जब इन्वेस्टिगेट किया गया, तो बहुत सारी बातें सामने आई जो वास्तव में उस रूल्स को भी फॉलो करती थी, इंटरनेशनल रूल्स को भी फॉलो करती थी, और जो उनका लोकल अथॉरिटी का रूल था उसे भी फॉलो करती थी। अब हम थोड़ा सा एक बात देख लें कि जेल जाने के कारण की जो चर्चा चली इसमें, तो 22 सितंबर वाली घटना को देखें तो जेल जाने के कारण जो बताए गए उसमें, ड्यू टू गोइंग टू जेल, वो कारण जो बताया गया, जो सामने दिखाई दिया, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक केस में, हर एक घटना में एक रूट कॉजेज होता है, जो रूट कॉजेज वह हिडन होता है, हमेशा छुपा हुआ होता है, वह सामने नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रेजेंट कॉजेज दिखाई देता है कि किस वजह से क्या हुआ है, जो हुआ है वो तो आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्सीडेंट हुआ है और वहां पे कौन से लोग थे, इसके लिए सामान्य रूप से कौन जिम्मेदार पाया गया, उनको देखा गया। लेकिन अगर हम बात करें कि फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत भी बात करें, तो जो तमिलनाडु में घटना घटी, तो वो फैक्ट्री एक्ट की धज्जियां उड़ा रही थी। अगर फैक्ट्री एक्ट की धज्जियां उड़ा रही हैं, तो फिर इन्होंने कैसे गिरफ्तार कर लिया, ये भी बात। तो फिर वहां एक बात सामने आई कि इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यह जांच का विषय है, जांच के बाद देखा जाएगा कि वास्तव में कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है। ठीक इसी तरह की घटना जो दुबई में हुआ था, यहां भी यही बात सामने आई कि अभी सामने जो दिखाई दे रहा था, जो बात चली है, उसके आधार पर ये एक्शन लिया गया और जो सजा हुई उन लोगों की, वह इन्वेस्टिगेशन के बाद हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ भी पाया गया था, उसमें काज पाए गए थे, जो भी उनके ऊपर जो है एलिगेंस लगे थे, वो सही पाए गए, और वास्तव में वह जो उनका जो पोस्ट था, जिस वजह से वह नौकरी पे वो गए हुए थे, उसमें तमाम तरह की खामियां थी, तमाम तरह की गलतियां थी, जिसके वजह से उन लोगों को सजा हुई। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर हम नौकरी पाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को झूठ का सहारा ले लेते हैं, फेक सर्टिफिकेट का सहारा ले लेते हैं, और फेक एक्सपीरियंस लेटर का भी सहारा ले लेते हैं, जो कभी न कभी ये मुसीबत का कारण बन जाती है। ये फेक सर्टिफिकेट और फेक डिग्री ही इन लोगों की सजा का कारण बना और जिसके वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा। जी हाँ, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी वर्क होता है और जो भी काम होता है, उसमें थोड़ी सी ईमानदारी, और कम से कम अपने लिए तो जरूर ईमानदारी बरतें कि मैंने जो कुछ भी डेटा प्रोवाइड किया है उस कंपनी को, जो कुछ भी मैंने दिया है, वह सब सही है, कहीं फेक नहीं है, क्योंकि कभी भी मुसीबत और परेशानी आपको बताकर नहीं आती है। अब हम बात कर लेते हैं वर्क नेचर ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर। एक सेफ्टी ऑफिसर का वर्क नेचर क्या होता है, क्या वास्तव में वह जेल जाने के लिए जिम्मेदार है, क्या वास्तव में उसे जेल भेजा जा सकता है। जी हाँ, तो ये वर्क आप नेचर जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि वह जेल जाएगा कि नहीं। देखिए, सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, एक तरह का एडवाइजर होता है, एक तरह का सलाहकार होता है, और सलाहकार कभी जेल जाने के लिए लाइबल नहीं होता है, उत्तरदायित्व नहीं होता है। ट्राई टू सेफ्टी, एक एडवाइजर जो है कोशिश करता है कि भाई हम कैसे सुरक्षा प्रदान करें, क्या करें, एक सजेशन दे सकता है, और सजेशन देने वाले को जेल नहीं भेजा जा सकता है। नेवर रिस्क जीरो, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी साइट पर और किसी भी वर्क प्लेस पे रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर जीरो नहीं हो सकता है, तो एक एडवाइजर और एक सेफ्टी ऑफिसर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। वर्क अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रूल्स, एक एडवाइजर जो एडवाइज करता है, वह 3 चीजों को ध्यान में रख के करता है। पहला कॉमन नॉलेज, दूसरा इंडस्ट्री नॉलेज, और जो तीसरी बात आती है वह रूल्स रेगुलेशन एंड एक्सपर्ट नॉलेज की हैसियत से वह आपको सलाह देता है, वह आपको सुरक्षित करने की कोशिश करता है। तो ये 3 स्टेप अगर मैं देखूं, तो तीनों ही स्टेप में हमें यह बताया गया कि हम हर स्थिति में हम आपके लिए फेवरेबल हैं, आपके लिए आपकी को सेव करने के लिए हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, और जो जितना भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, वह वर्क हम रिटेन वर्क कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपने देखा कि वर्क जो नेचर होता है सेफ्टी ऑफिसर का, यह होता है।
तो यह सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेट जब होता है तो वहाँ पे ये मैटर करती हैं और लोकल लॉ और इंटरनेशनल लॉ को देखते हुए ये सारे डिसीजंस बनाए गए और लिए गए। और यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी तमिलनाडु की घटना घटी इसमें भी यही फैक्ट पाया गया था, गिरफ्तार उसे जरूर किया गया था लेकिन वास्तव में वो सेफ्टी ऑफिसर नहीं था। कहीं ना कहीं जांच के दौरान जो उसमें डॉक्यूमेंट्स पाए गए, जो कमियां पाई गई, वह उसे सेफ्टी ऑफिसर के लिए फुलफिल उसे साबित नहीं कर पाती थी। वह इसीलिए उसे एक नॉर्मल व्यक्ति के अनुसार ट्रीट किया गया और जांच में यह पाया गया कि इस घटना का जिम्मेदार यही है। वहां पे एक बात और भी आती है, अगर वह जिम्मेदार है तो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत फिर फैक्ट्री एक्ट का मतलब क्या है। तो जब दोनों को देखा गया तो फैक्ट्री एक्ट ने जो प्रावधान बनाए तो वह भी अपनी जगह पे सही था, और यह जो जिसके वजह से जिसको अरेस्ट किया गया था वह देखा गया तो कहीं ना कहीं उसका कुछ इंटेंशन सामने आया था जो रिटेन में पाया गया था। अगर हम किसी को इंक्रीज करते हैं किसी चीज़ के लिए या इंटेंशनली वर्क करते हैं और उसके वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली चाहे आप कोई भी हों, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर भी हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, आपको जेल हो सकती है। लेकिन यदि यह साबित नहीं हुआ कि क्या वास्तव में आपके वजह से हुआ है, आप किसी इंटेंशन की वजह से किया है और वो भी रिटेन, ठीक है, ये जब साबित हो जाएगा तो सेफ्टी ऑफिसर भी जेल जा सकता है। बहरहाल अगर मैं जो बात करूं तो सेफ्टी ऑफिसर कभी जेल जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वह जेल नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात यहां पे सामने आती है, अभी और भी घटनाएं हैं, अगर मैं बात करूं कनाडा की, अगर मैं बात करूं अमेरिकन की, यूके की, जहाँ पे कुछ घटनाएं घटी थी वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर को भी जेल भेजा गया था, लेकिन उसमें यह पाया गया कि सेफ्टी ऑफिसर इस घटना के लिए, इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार इसलिए है कि सेफ्टी ऑफिसर बार बार ये चाहता था और जानबूझकर ये गलतियां किया जिसके वजह से यह दुर्घटना घटी और लोगों की जान चली गई, इसलिए वह जिम्मेदार है। एक सलाहकार कभी भी इंटेंशनली इस तरह की बात नहीं सोच सकता और इस तरह की बातों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाएगा। तो ये सारी बातें अगर साबित होती हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर भी जेल जा सकता है, लेकिन 99% केसेस में सेफ्टी ऑफिसर जेल नहीं जाएगा। ऐसा प्राविधान है नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल एंड ILO बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऐसा प्रावधान है। तो डियर स्टूडेंट, जो भी बातें हमारे सामने आती हैं वह सामने जो प्रेजेंट काज है वही सामने आती हैं, रूट कॉजेज सामने नहीं आती हैं। तो बात आपको यह क्लियर हो गई होगी कि एक सेफ्टी ऑफिसर जेल नहीं जाएगा जब तक कि वह एक एडवाइजर की भूमिका में रहेगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, एक सेफ्टी ऑफिसर जेल नहीं जाएगा जब तक वह एक एडवाइजर की भूमिका में रहेगा, रोल में रहेगा। लेकिन एक सेफ्टी एडवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर जब एक्सीडेंट के मूड में या इंटेंसली अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से वह जेल भी जाएगा, उसे सजा भी होगी। तो आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट आप लोगों ने मुझे मेल किया कि सर क्या सेफ्टी ऑफिसर जेल जा सकता है, सेफ्टी ऑफिसर जेल जा सकता है। आपने उन घटनाओं को भी बताया, तमिलनाडु की घटना को बताया, दुबई को घटना को बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये घटना काफ़ी पुराना रहा, 2012 की घटना रही और जो जाँच आया उसके बाद जो सजा हुई उसमें यह पाया गया कि उसमें डॉक्यूमेंट्स का जो जांच किया गया, जो पाया गया जिस अकॉर्डिंग पे वो सारे रूल्स की जो रूल्स है सेफ्टी रूल्स का है, कंपनी एक्ट का रूल्स है, फैक्ट्री एक्ट का रूल्स है, तो उन रूल्स के अगेंस्ट था। और कभी भी रूल्स के अगेंस्ट जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ चुके होंगे। इसी के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।